इस क्वेश्चन में हमारे पास कह दिया हुआ है अ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट फाइंड ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ जीरो पॉइंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इट्स वन सेकेंड टू पास बाय हिम सही है आ, पहले पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ द ट्रेन एज सीन बाय द पर्सन और फिर पूछ रहे हैं द रेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ईजी है इसमें क्या हो रहा है इसे डायग्राम बनाया जाए तो समझ लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है सही है ये एक ऑब्ज़रवर है और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है जैसे तुम अगर तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो क्या होता है कि तुम प्लेटफॉर्म पे हो और तुम रेल का वेट कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम सही है ये बोल रहे मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है सही है ये जो हमारे पास ट्रेन है यहाँ पे मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है इस इस तरफ ये मूव हो रहा है सही है यहाँ तक अब फिर वो हमें बोल रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे मैन है वो इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो बेसिकली अगर तुम्हें पता है हम जितने भी आ, रिलेटिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ग्राउंड फ्रेम लेते हैं ये ऑलरेडी ग्राउंड फ्रेम पे है सही है तो हम इसे ही कर लेते हैं कि कौन सा फ्रेम है ये ग्राउंड फ्रेम है सही है या फिर ऑब्ज़र्वर फ्रेम है या मैन फ्रेम है जो भी बोलना चाहते हो उसे बोल सकते हो सो so, तुम्हें पता है वेलोसिटी इस तरफ जा रही है ट्रेन की किस वेलोसिटी से मूव कर रही है ये कर रहा है जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सही है अब जब इस ऑब्ज़र्वर ने इस ट्रेन को देखा हो तो उसे अच्छा इसे पास करने में टाइम टेटन टू पास इस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा इस ऑब्ज़र्वर को पास करने में वन सेकेंड मतलब इसे वन सेकेंड में पास कर लेता है यहाँ से अब तुम्हें पता है कि जब तुम्हें किसी चीज़ से तो मोशन में होती है और फिर तुम उसे ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारे पास उसी सारी की सारी चीज़ें डायलेटेड आती है जैसे इन दिस स्टेज यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ट्रेन की सो ये मोशन में है तो इसकी जो आ, लेंथ होने वाली है वो डायलेटेड लेंथ हमें मिलने वाली है सो यहाँ से मान लेते हैं लेट तो एक्चुअल लेंथ भी हो जाए ना रोई तो इसको तो रेस्ट लेंथ मान लेते हैं लेट रेस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी मान लेते हैं मान लेते हैं ये है एल नॉट सही है रेस्ट लेंथ मान ली इसी तरीके से लेंथ इन मोशन लेंथ इन मोशन मान लेते हैं कितनी मान लेते हैं एल मान लेते हैं सही है पहले केस में तो हमें लेंथ इन मोशन फाइंड आउट करनी है यहाँ तक सही है आ, फर्स्ट केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है लेंथ इन मोशन ऑफ ए ट्रेन सो तुम जानते हो कि जो वेलोसिटी है तुम्हारे पास वो है ज़ीरो पॉइंट सिक्स स्पीड ऑफ लाइट टाइम कितना है टाइम है वन सेकेंड सो तुम्हें पता है जो लेंथ आने वाली है वो जिससे बराबर है लेंथ तुम्हारे पास यहाँ इन दि स्टेस लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो बराबर है तुम्हारे पास डिस्टेंस सो लेंथ कितना आ जा रहा है यहाँ से लेंथ हो जा रहा है तुम्हारे पास uh, डिस्टेंसी के बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम सो ये हो जा ज़ीरो पॉइंट सिक्स सी इंटू टाइम कितना है टाइम जीरो पॉइंट सिक्स इंटू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट और टाइम दिया हुआ है वन सो लेंथ इतना आ जाए लेंथ आ जाए तुम्हारे पास वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर सो जो तुम्हारे पास आ, लेंथ आया है ये बेसिकली ये लेंथ है डायलिटेड लेंथ ऑब्जर्व बाई दी ऑब्जर्वर वन ट्रेन इज़ इन मोशन तो ये हमारे पास ये एक्चुअल लेंथ नहीं है उसकी बट हमारे पास ये लेंथ जिसकी है ये लेंथ है हमारे पास ट्रेन uh, की जब ट्रेन जैसे मोशन में है अब बी पार्ट को तो सॉल्व करते हैं बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द रेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन जो रेस्ट लेंथ हम जानते हैं क्या है हमारे पास ट्रेन की एक्चुअल लेंथ है तो इसलिए अपने पास एक सीधा फॉर्मूला होता है एल इज गिवन बाय एल नॉट वन माइनस वी स्टेयर बाई सी स्टेयर सही है तो तुम्हें बस ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी सी वैल्यू एल लिए वैल्यू बतानी है तुम्हें सही है अरे मैं यहाँ पे वैल्यू बताऊँ मेरी कितनी आएगी एल कितना है अपने पास वन पॉइंट एट इंटू टेन रे टू पावर एट एल नॉट हमें फाइंड आउट करनी है ये कितना हो जा रहा है ये हो जाएगा वन माइनस वी वी जितना है ज़ीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ सी डिवाइड बाई सी स्केयर यहाँ तक सही है ये जितना ये हो जा रहा है एल नॉट ये आ जा रहा है यहाँ से ये दोनों वैल्यू सी स्टेट के लिए यहाँ तक आंसर सही है अपना फिर यहाँ से बस अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है जो आंसर है रह, वही तुम्हारे पास रेस्ट लेंथ है कॉन्सेप्ट तो तो तुम्हें पता चल ही जाए इस क्वेश्चन में यहाँ तक सही है अब तुम जानते हो यहाँ से कितना आंसर है ये यहाँ से पॉइंट से पॉइंट यहाँ से टेन्सर हो जा ये टू पे जो हो जाएगा फोर ये नाइन अब तुम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हारे पास एल नॉट आई डी मतलब जो एक्चुअल लेंथ है ट्रेन की वो हो जाएगी नाइन बाई फोर इंटो टेन रेज टू पावर एट मीटर सो एक्चुअल लेंथ कितनी है ट्रेन की ये है अपने पास टू पॉइंट टू फाइव इंटो टेन रेज टू पावर एट मीटर सही है अपने पास जो एक्चुअल लेंथ है ट्रेन की वो ये आ रही है और यही अपने पास फाइनल आंसर भी है इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं